सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हमें खुशी है कि आपको खुद पे यकीन है, नजरें आसमान पे जरूर है लेकिन पैरों के नीचे जमीन है। एक कामयाब जिंदगी का मतलब ही यही होता है, अपने लिमिट्स को स्ट्रेच करना, दुनिया के सिस्टम्स को चैलेंज करना, हमेशा उन तरीकों को खोज के अपनाना जिससे आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सको। अर्ज किया है कि अभी ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारे थे ना कभी हारेंगे, किसी और से नहीं यार, खुद से ये वादा किया है। इस संसार में जो चीज भी आपकी है आपको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो सफर, उस चीज का इंतजाम करना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि दुनिया, कैलकुलेशंस, लॉजिक और साइंस एक साथ बोलेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, आप कर ही नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया ने, लॉजिक्स ने, कैलकुलेशंस और साइंस ने तो थॉमस एडिसन को भी कहा था कि बल्ब नहीं बन सकता। ग्राहम बेल को भी तो कहा था ना कि बैठे बैठे एक जगह मीलों दूर तक किसी से बात नहीं की जा सकती। राइट ब्रदर्स को भी तो कहा था कि इंसान कभी आसमान में नहीं उड़ सकता, इंसान का जन्म सिर्फ धरती पर चलने के लिए हुआ है। गांधी जी को भी कहा था कि एक अकेला इंसान कभी बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने के लिए आपको भी इन लोगों की तरह लड़ना होगा। क्या चीज हो आप ये दुनिया को बताना होगा, इस संसार में आपकी जो भी चीज है उस पे हक जताना होगा। आपको खुद पे और अपने ड्रीम्स पे यकीन करना होगा, क्योंकि होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि जिंदगी के 25 साल तक कागजों को पढ़ो, फिर अगले 25 साल तक कागजों को कमाओ और उसके बाद के 25 साल रिटायर होके सेव किए हुए कागजों के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी चलाओ और मौत का इंतजार करो। ये दुनिया ऐसी ही है, कुछ सिस्टम